बाबू हमको बहुत तंग कर रही है फ्रेंड, देखिए अभी रोने वाली है। तो फ्रेंड 19 दिसंबर को मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि इस बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाऊँ, क्योंकि अगले बार मैं ज़्यादा खुश नहीं थी अपने बर्थडे में। तो मैंने इस बार अपने बर्थडे के लिए बहुत सा शॉपिंग किया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने एक साड़ी ख़रीदा है। आप हमको बताइए कि मैं वो साड़ी बर्थडे में पहनूं या ना पहनूं, मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं। मैं उसके लिए चूड़ी भी ख़रीदी हूँ, उसके लिए कान का, उसके लिए बहुत सारा ख़रीदी हूँ सामान, मेकअप का भी। तो आप बताइए हमको अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे मेकअप का सामान और चूड़ी वगैरह वगैरह ख़रीदने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं जब भी ख़रीदती हूँ तो अपनी बहन या मम्मी को लेके जाती हूँ। तो आप हमको बताइएगा कि मुझे पहनना चाहिए कि नहीं, और कौन सा ये चूड़ी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। साड़ी में दो चूड़ी ली हूँ, आप बताइएगा दोनों में से हमको कौन सा अच्छा लगेगा। आप जो बोलेंगे वही पहनूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना चूड़ी साड़ी सब दिखाती हूँ। तो ये साड़ी है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, 799 रुपया में। फ्लिपकार्ट में सामान बहुत अच्छा मिलता है, और इसका मैचिंग ब्लाउज भी है जो कि मैंने टेलर में सीने के लिए दे रखा है, तो वो परसों मिल जाएगा। परसों 18 तारीख है, 19 तारीख को मैं पहनूंगी। और ऑनलाइन सामान फ्लिपकार्ट में बहुत अच्छा आता है, और मीशो में नहीं कह सकती क्योंकि मीशो से मैंने सामान अभी तक ऑर्डर नहीं किया है। मेरी बहन की थी तो बोल रही थी सामान उसमें अच्छा नहीं आता है, तो मीशो से हमने नहीं मंगाया है। मैंने एक सामान ऑर्डर किया है मीशो में, जो कि मैं अभी मायके में हूँ, ससुराल जाऊँगी तो पता चलेगा आया है मेरा वो ऑर्डर कि नहीं। तो जब मैं देखूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि वो साड़ी मीशो में कैसा आया है। और 358 रुपये में एक साड़ी मैंने ऑर्डर किया है, पर पता नहीं अच्छा आया है कि ख़राब आया है, क्योंकि मेरी बहन मंगाई थी साड़ी मीशो में, तो बोली कि अच्छा नहीं आता है सामान, और रिटर्न भी की थी। दो साड़ी मंगाई थी 300-300 करके 600 में, तो उसका अच्छा नहीं आया। वो रिटर्न की तो उसको पैसा भी रिटर्न नहीं मिला साड़ी रिटर्न करने के बाद, तो वो उसका तो बहुत लॉस हो गया। तो मैं फ्लिपकार्ट से ही मंगाती हूँ, मगर मैं सोची एक बार मंगाती हूँ मीशो से। तो हमने मंगाया है, मैं जब जाऊँगी अपने ससुराल तो मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कैसा है, वीडियो डालूँगी, आप सब देख लीजिएगा ब्लॉग में। ये देखिए ये चूड़ी है साड़ी के लिए, तो ये चूड़ी है 220 रुपये का। अब हमको ठका है कि नहीं ये नहीं पता। तो ये चूड़ी में बहुत ज़्यादा स्टोन है, देख सकते हैं बहुत वर्क किया हुआ है, और हर कलर का है, हरा है, रानी कलर है, पीला है, गोल्डन है। और बाबू भी सो रही है, बहुत शांत है। तो कैसा है आप बताइए, 220 रुपये लिया, हमको कहीं ठका तो नहीं ना है। और इसमें दो चूड़ी आया है, दो चूड़ी एक एक करके दोनों हाथ में पहनी, अच्छा लगेगा, मुझे पसंद आया। आप लोगों को आया है नहीं आया तो नहीं पता। और एक चूड़ी है, दिखाती हूँ फ्रेंड, एक गुलाबी चूड़ी है, ये चूड़ी है गुलाबी कलर का, देख सकते हैं साड़ी का मैचिंग। और हमने ख़रीदा था 140 रुपये में ये चूड़ी, घर के बगल में ही बेचने के लिए आया था, डलिया में बहुत सारा करके 40 रुपया कर करके दे रहा था, 50 रुपया करके बोल रहा था, 40 रुपया करके दिया। तो आप बताइए कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। तो हमने 5 ख़रीदा 200 रुपये में, 5, दो अपनी मम्मी के लिए और 3 अपने लिए। एक ये है गुलाबी कलर का ही है फ्रेंड, देख सकते हैं, मैं इसे उसमें मैच करके पहनूंगी बीच में धार धार में दे दे के। और ये क्रीम है मेकअप में यूज करने वाला, 99 रुपये में। मेरी बहन हमको ख़रीदा दी, बोली ये ख़रीदो हम तुम्हारा बर्थडे में मेकअप कर दूँगी, इसलिए मैंने ये ख़रीदा है फ्रेंड। तो बताइए कैसा है। और ये है लिपस्टिक पिंक कलर का, और ये भी चूड़ी है पीला कलर का, येलो कलर का, जो हमको काफ़ी पसंद आया। मैं इसे मुझे पीला ड्रेस बहुत पसंद है, तो ये चूड़ी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया।
और ये फाउंडेशन है बेबी का। और फ्रेंड्स, मैंने ये ख़रीदा है मेकअप वॉश, तो आप बताइए कैसा है मेकअप वॉश। मैं, मेरी बहन बोली ये ख़रीद लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मेकअप कर दूँगी तुम्हारा बर्थडे में। और ये रिंग है जो मैंने एक सूट ख़रीदा है सीने के लिए दिया है, तो आप बताइएगा, मैं ब्लॉग में बनाऊँगी इस रिंग को पहन के। इसी कलर का सूट मैंने ख़रीदा है सेम टू सेम, इसलिए मैंने मैचिंग आई रिंग ख़रीदा है पहन के वीडियो बनाने के लिए। मेरा बहुत सारा वीडियो है, तो ये देखिए कैसा है, आप बताइए। सूट आएगा तब पहनूंगी। और इसमें है खजाना, तो फ्रेंड्स मैं दिखा रही हूँ, इसमें है आयरिंग जो मैंने सोचा है अपने बर्थडे में। वो जो कपड़ा मैंने आपको दिखाया साड़ी, वो साड़ी है पिंक कलर का, उसमें पहनूंगी, तो आप बताइए कैसा लगेगा। उसमें गोल्डन है पत्थर बैठा। और ये मंगलसूत्र भी हमने सोचा है उसी में पहनूंगी, तो आप बताइए मंगलसूत्र पहनूं या ना पहनूं। ये देखिए लड़ी है, काफ़ी लंबा है, पहनूं कि नहीं पहनूं आप बताइएगा हमें। मैं वही पहनूंगी, दो मंगलसूत्र था, एक मंगलसूत्र मेरा टूट गया, मैं परसों ही खरीदी और टूट गया, तो हमें और मंगलसूत्र एक ख़रीदना पड़ेगा। सो इतना ही सामान खरीदी हमने। और ये है मेरा बाबू के लिए, जो कि बाबू को मैं पहनाऊँगी स्कर्ट। ये बाबू का स्कर्ट है, ख़रीदा है मैंने। और ये टॉप है, मैं जिस दिन पहनाऊँगी उस दिन आप देख लीजिएगा मेरे बाबू कैसी लगेगी, और बताइएगा कमेंट में। और फ्रेंड, मैंने जितना भी आपको सामान दिखाया अपना बर्थडे में के लिए मैंने ख़रीदा है, तो प्लीज़ आप देखिए और हमको बताइए कि हमको साड़ी में कौन सा चूड़ी अच्छा लगेगा, वो एक वाला या गुलाबी या सब रंग का जो एक एक है वो वाला, तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, मैं वही पहनूंगी। और मैंने एक ये येल्लो कलर का वो ख़रीदा है, टॉप ख़रीदा है, जो कि अच्छा नहीं निकला, तो मैं वो पहनूं कि नहीं पहनूं कंफ्यूज हूँ। और मेरा मूड भी बहुत ख़राब है फ्रेंड इस बार बर्थडे में, तो आप बताइएगा मैं कौन सा पहनूं कौन सा नहीं पहनूं, क्योंकि मेरे क्या बताऊं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं फ्रेंड। देखिए मेरे बाबू सोने वाली है, देखिए। और मैं सोच रही थी कि बर्थडे फ्रेंड के साथ भी मनाना पड़ेगा, फिर हमको अपने दोस्तों के साथ भी मनाना पड़ेगा और घर में भी, तो काफ़ी ज़्यादा मेरी बाबू सो गई फ्रेंड, तो मैं अपने बाबू को सुला दूँगी। तो फ्रेंड, मेरे बाबू सो गए, तो आप हमको बताइएगा कि मैं कौन सा पहनूं कौन सा नहीं पहनूं। और फिर मैंने एक फाउंडेशन लिया था जो कि मैंने डाला है यूट्यूब में, वो फाउंडेशन इतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग वो यूज मत कीजिएगा, फेस में इन्फेक्शन कर जाएगा, तो अच्छा नहीं है। मैंने भी यूट्यूब में देख के लिया था, पता नहीं कौन डाला था, बोला बहुत अच्छा है, बट वो अच्छा है नहीं, तो प्लीज़ आप लोग वो फाउंडेशन यूज मत कीजिएगा। मैं आपको और एक बार दिखा देती हूँ, रुकिए वो फाउंडेशन।